कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के जो ऑब्जर्वर बनाए हैं उनके डीएनए में ही कांग्रेस है। सभी लोग अपने बुजुर्गों के समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, प्रदेशाध्यक्ष ने जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं को आगे लाते हुए ऑब्जर्वर बनाया है, जो कि अच्छी पहल है। ये बात जयसिंहपुर में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस ऑब्जर्वर हंसराज ठाकुर ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि चुनावी बेला पर भाजपा को राम की याद आती है। भाजपा नेता बताएं कि चुनावी बेला में ही उन्हें राम क्यों याद आते हैं। इस अवसर पर जसपा प्रागपुर के ऑब्जर्वर राम गोपाल शर्मा, ज्वालामुखी के पंडित अशोक हिमांचली, ज्वाली के साजिद खान, देहरा के राजेश राजा और फतेहपुर के ऑब्जर्वर जितेंद्र गुलेरिया सहित स्माइल बोहरा, नीरज चौहान और इंद्रजीत शर्मा सहित उपस्थित रहे। हंसराज ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश में सुई भी नहीं बनी थी, उस समय कांग्रेस ने देश को विकास की राह पर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस राज में जो सिलेंडर 350 रुपए का था, आज उसकी कीमत 1000 रुपए पहुँच गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा गरीब परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी एक बार तो सिलेंडर ले सकता है, लेकिन दोबारा कैसे खरीद पाएगा, इस पर भाजपा सरकार को विचार करना चाहिए। हंसराज ठाकुर ने कहा कि भाजपा द्वारा देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। भाजपा द्वारा समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा वो फोर्स का मामला उठाया गया है, जबकि कारगिल युद्ध में वो फोर्स तोप ने ही साथ दिया था। हंसराज ठाकुर ने कहा कि सुक्खू द्वारा नियुक्त सभी ऑब्जर्वर जमीनी स्तर पर पंचायतों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी अपनी जिम्मेवारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को केंद्र की सत्ता पर आसीन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा सभी नव नियुक्त पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य 2019 का लोकसभा चुनाव है। हम कांग्रेस के लिए निष्ठापूर्वक काम करेंगे और हिमाचल की चारों सीटें कांग्रेस के झोली में डालेंगे। चुनाव से पहले कमेटियां बनाकर बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा जाएगा। छः उसका प्रभारी बनाया है, छः ब्लॉकों का। तो उसके बारे में हम इकट्ठे होकर एक माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारे जो जना राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं और जो जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने हमारे हमें इसके जिम्मेवारी दी है ब्लॉकों की, हम इसके बारे में सारे इकट्ठे होकर छः के छः आदमी हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रेस के माध्यम से। और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो ये ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी जो इनको आज जिम्मेवारी दी है, हम उनको भी 2019 में लोकसभा चुनाव में उसको निभाएंगे। और चारों की चारों सीटें जो है हम जो जीतेंगे, कांग्रेस की झोली में डालेंगे। और बाकी जो है आज पूरा हमारी जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म जयंती है, इसके लिए भी हम अपनी ओर से सारे मिलकर आग्रह करते हैं। और जो इन्होंने जो बीजेपी वालों ने और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है पहले, तो आज हिमाचल में आज एक साल हो गया इनको, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और जो आज बदला बदली पर रहे ये लोग, जो आज लोग बोल उठे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया है वो आज चाहे धर्मशाला कंस्टिट्यूंसी हो, ऑल हिमाचल में ठाट की ठाट कंस्टिट्यूंसी हो, उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया। जो तो क्या लगता है आपको, बीजेपी का विकास नहीं कर पाई? बीजेपी वाली अपना विकास कर रही है, अपने अपने बदला बदली के ऊपर और अपने जो इनके आरएसएस के आदमी उनका काम हो रहा है, उनके कहने पर काम हो रहा है, तो मंत्री विधायकों के कहने पर काम नहीं हो रहा है। और जयराम जो ठाकुर जो हैं वो पहली बार उठे हैं, लेकिन जो वीरभद्र सरकार ने जो काम किया वो आज लोगों को सामने, आज लोग पछता रहे हैं उस चीज़ के कि हमने दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई थी तो आज ये हाल नहीं होता। आज देखो तेल कहाँ पहुंच गया है, 75 रुपये डॉलर। किस तरह से 2019 के चुनावों को देखते हैं, 2019 के चुनाव हैं?